वाइब करते हैं थोड़ा ना। गाना देखा हम लोग ने क्या? आप लोग इधर ही? हाँ मैंने देखा, मैंने देखा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ईद के लिए परफेक्ट ना? ईद रेडी? रोल ओके। फर्स्टली गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द सॉन्ग, सॉन्ग इज आउट एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज गेटिंग वेरी गुड। व्हाट डू वांट टू से अबाउट द सॉन्ग? किस तरह का रिस्पॉन्स आप लोग को मिला? आई थिंक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, द सॉन्ग इज रियली वेल, द वीडियो हैज कम टर्न आउट टू बी रियली वेल, वी बोथ आर हैप्पी एंड और फैंस के जो मैसेजेस हैं, कॉमेंट्स हैं, आई मीन एवरी थिंग इज वेरी पॉजिटिव, सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। एंड मैम आपकी लुक की बात करूँ तो काफ़ी ट्रेडिशनल लुक है, काफ़ी अच्छा है, नाउ ऑल्सो यू आर वेयरिंग ट्रेडिशनल, टेल अस समथिंग, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स डिड यू गेट फ्रॉम योर लुक? वेल लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरा लुक, यू नो ट्रेडिशनल आउटफिट में वैसे भी लोग मुझे काफ़ी पसंद करते हैं, और ईद का गाना है तो ऑफकोर्स ईद से मैचिंग लुक्स होने थे उसमें, तो हमने वो कोशिश की है, एक्सपेरिमेंट किया है थोड़ा लुक के साथ जो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड एज ही सेड यू नो कि गाना लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, आई थिंक जब गाना रिलीज़ नहीं भी हुआ था, जब हम शूट कर रहे थे और हम थोड़े बहुत स्निपेट्स बाहर डाल रहे थे, तो ऑलरेडी फैंस को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यार मिल रहा था, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट द सॉन्ग इज ऑलरेडी अ सक्सेस। एंड डू यू थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम टू रिलीज द सॉन्ग बिकॉज़ ईद इज कमिंग अप? यस, आई थिंक अभी रमजान चल रहा है और ईद भी 3-4 दिन में होगी, सो ऑलरेडी लोगों को एक वाइब मिल जाएगा कि यू नो, और रील्स वगैरह भी बनाएंगे एवरीथिंग, एंड या वेरी वेरी हैप्पी सॉन्ग एंड या एंड द केमिस्ट्री इज लुकिंग रियली गुड। टेल अस समथिंग, एनी बीटीएस मोमेंट? देयर आर सो मेनी, यू आल्सो शेयर अ बीटीएस मोमेंट इन द इन इंस्टाग्राम। मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है कि इनके वैसे देख के गाना गाना, बिकॉज ये हमेशा हंस देती थी, तो 2-3 बार बोला कि यू नो जरीन, यू नो वो एक केमिस्ट्री लानी पड़ती है, बिकॉज ऑब्वियसली कि आई लाइक दिस गर्ल राइट, तो वो एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, बट ये हमेशा डांस रिहर्सल हो या सेट पे, मतलब व्हेनेवर आई लुक एट हर शी स्टार्ट्स लाफिंग। उमर और मैं दोस्त हैं, यू नो आई मीन दो हम पर्सनली इन पर्सन इतना ज़्यादा मिल नहीं पाए हैं, बट हम दोस्त हैं काफ़ी टाइम से अभी, तो वी बीन इन टच, तो इट बिकम्स अ लिटिल वियर्ड ना टू शो अ लिटिल बिट ऑफ लवी डवी एक्सप्रेशंस टू योर फ्रेंड्स, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड था, बट आई एम हैप्पी कि लोगों को हमारी केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, हमको काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है। एंड देयर वाज वन मोमेंट व्हिच यू शेयर्ड इन योर सोशल मीडिया अकाउंट, टेल अस समथिंग स्टोरी बिहाइंड इट। व्हाट द BTS moment that you have shared? Which one? We shared so many. There was one you were looking in camera and BTS तो बहुत सारा शेयर किया था, एंड यू नो आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू नो उमर वॉज माई को स्टार, बिकॉज वैन यू हैव अ गुड टीम तो वो वाइब दिख के आता है, और पूरा शूट हंसते खेलते हमारा गुजर गया, तो इफ यू सी इन एवरी BTS वी आर लाफिंग ओनली, एंड लाइक वाइज आई मीन थोड़े प्रॉब्लम भी होते हैं, लेकिन यू नो ज़रीन हैज़ ऑलवेज बीन सो काम ऑन द सेट, एंड सो ऑब्वियसली एज अ को स्टार व्हेन यू सी योर को स्टार बीइंग सो काम, सो मेरे लिए भी बहुत ईजी हो गया। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द सिंगर्स? Sing, I mean, they've done a fab job. I mean, job. They are seniors. So, they've been in this industry forever. So, what can we say about them? The song is very well. I mean, I've been listening to the song since morning. So, I think the music is well, and the how they've sung it is really great. Thank you so much. Lots of success. Thank you. Make sure you all keep listening to that song, sure, and make it an even even bigger success. Yes, definitely. Thank you so much. Okay. Thank you. Bye. अभी 3-4 दिन है ईद को, तो तब तक ये 3-4 दिनों में खूब सारा प्रे कीजिए, रोजे रखिए, और ये गाना भी सुनिए अगर टाइम मिलेगा, प्लीज़ गाना सुनिए, रील्स बनाइए, जो जिसका भी अच्छा रील होगा मेक श्योर के अनुसार को शेयर करें अपने इंस्टाग्राम पर, अपने सोशल मीडिया पे, और आप लोगों को थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। ज़रीन मैम, ज़रीन मैम, मैम नीचे, हाँ नीचे नीचे थोड़ा पीछे, थैंक यू मैम, थैंक यू।